अलमेक वेलकम बैक टू अदर वीडियो कैसे हैं आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जी ये है मेरी ड्राइविंग की करंट सिचुएशन कुछ ना कुछ तो आ ही गई है तो हम जा रहे थे कुछ थोड़ी सी आउटिंग पर और ये है मोटर वे मौसम इस टाइम शाम का टाइम है धूप थी काफ़ी तेज़ लेकिन ठीक है गाड़ी में ज़रा कुछ अच्छा मौसम जा आ जाता है तो सेलें जैसे आप लोगों को पता है कि हर जगह ही सेलें लगी हैं तो सबसे पहले मैं आ गई थी बनन्जा पे और यहाँ पर फ़िलहाल तो टेन से ट्वेंटी परसेंट ऑफ लगा हुआ है विंटर स्टफ़ पे इनका फिफ्टी परसेंट लगा हुआ है और ये मसूरी विस्कोस वाले जो है उन पर भी तकरीबन टेन से ट्वेंटी परसेंट है तो मैंने वहाँ से शर्ट भी ली है और इसके अलावा विंटर से भी शॉपिंग की है और इसके अलावा मैं कहीं थी खाटी पे वहाँ कोई टिप नहीं ले सकी तो वहाँ से भी मैंने न्यू अरावल से सूट लिया आपके साथ शेयर करूँगी अच्छा फिर उसके बाद आ गए थे के क्योंकि बच्चों का फेवरेट तो होता ही यही है उन्होंने जिंगर ही खाना होता था तो हम फिर के आ गए थे और अच्छा खासा यहाँ पर रश था तकरीबन ये भी सात साढ़े सात का टाइम है फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश था तो खैर हम चले गए थे इधर के और आगे गए तो प्ले एरिया बंद था और मेरी बेटी का मूड शदीद ऑफ हो रहा था कि प्ले एरिया बंद है तो वो क्या खेलेगी क्योंकि वो इसी उस पर आई थी कि मैं थोड़ी देर खेलूँगी और जब तक कि ऑर्डर आप करती हैं तो खैर वो प्ले एरिया बंद था तो उसका मूड शदीद ऑफ था खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसका ऑर्डर किया तो फैमिली डील हमने मंगवा ली थी तो ये बड़ी अच्छी रहती क्योंकि हम चार पर्सन थे तो उसमें चार जिगर होते हैं चार फ्राई पीस होते हैं कोल्ड ड्रिंक होती है और साथ में मैंने आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी खैर पीस मुझे इसके बस नॉर्मली लगे ठीक थे आ, सबसे मज़े की मुझे जो है इसकी आइसक्रीम लगी आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी आ, मैंने वनीला आइसक्रीम और विद उसमें स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट सिरप जो होती है ना वो डलवा के वर्डर की थी बहुत ही उम्मीद ही बहुत मज़े की थी बच्चों ने तो इतने शौक से नहीं खाई लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे दोनों ही कप उनके मुझे ही खाने पड़े तो खैर ऑर्डर हमारा तैयार हो गया था फ़ौरन से ही तो बच्चे कर रहे हैं बच्चों ने पीस भी इन्जॉय किए भी बहुत अच्छे थे क्रिस्पी थे बर्गर भी बच्चों ने इन्जॉय किए बच्चों के तो फेवरेट होते हैं तो इनशाला मैं नेक्स्ट व्लाग मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग जो की है मैंने समर के हवाले से और थोड़ा सा जो नेक्स्ट वेदर आ रहा है उस हवाले से क्योंकि फिर आगे रबी अवल आ रहा है माशाल्लाह से तो फिर उसमें हमने घर में मिलाद भी रखना होता है और वैसे मिलाद में भी जाना होता है तो उसके भी कपड़े कुछ बनाने हैं विंटर के भी बनाने हैं तो अभी से शॉपिंग थोड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने ये है आइसक्रीम वनीला और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट सरप डलवाई थी मैंने बहुत ही मज़े की बहुत ही क्रीम नो डाउट बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि गर्मी में फिर आइसक्रीम बहुत ही मज़े की लगती है बहुत बड़ा कप है और बच्चों ने तो बस मुश्किल से दो दो चम्मच लिए थे बाकी मुझे ही खाना पड़ा था और बहुत ज़्यादा मेरा तो पेट हैवी हो गया था बहुत भर गया था हरी आइसक्रीम हमने ली थी और उसके साथ मैं दिखाती हूँ मैंने ली थी एक मॉइस्चराइज़र नट्रोजी का हाइड्रोबोस जेल क्रीम इसमें एक हाइड्रोबोस जेल आती है और एक आती है क्रीम ये विंटर के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है तो ये मैंने उसके लिए लिया है और काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया इसको और बहुत सोने तारीफ की कि बहुत ही अच्छी है तो मैं ज़रा इसको ट्राई करती हूँ नट्रोजीना जेल क्रीम है तो इसको ट्राई करके इसमें एक तो एसिड है और है बोटेनिकल तो देखते हैं कि स्किन को हाइड्रेट रखती है या नहीं रखती तो उसी हिसाब से ही आपको फिर मैं इसका रिव्यू दूंगी आहिस्ता आहस्ता मैं इसको यूज़ करना शुरू करूंगी अभी तो खैर गर्मी है अच्छा समर के हिसाब से इनकी और है क्रीम है वो खाली जेल है ऑयली स्किन के लिए और ये है विंटर के लिए तो मैंने भी फिलहाल विंटर के लिए लिया देखते हैं अगर अच्छी लगी तो फिर वो दूसरी भी लूँगी तो ये बड़ी अच्छी इसका इस तरह से टेक्स्चर है जेल टाइप का और ये फ़ौरन ही एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में ये देखिए मैंने हल्की सी लगाई है लेकिन बड़ी ही फ़ौरन जल्दी एबजॉब हो गई थी और सॉफ्ट स्किन हो गई थी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है तो फिलहाल अभी इसको ट्राई करेंगे तो वन मंथ के बाद ही इसका रिव्यू देंगे तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अपना बहुत ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़